स्वागत है भाई लोग आप सभी का फिर से मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आप लोग फ्री फायर के नेम पे एरो सिंबल्स को कैसे यूज कर सकते हो। फ्री फायर के अंदर जो एरो सिंबल्स यूज किया जाता है वो कुछ इस टाइप से रहता है। देख सकते हो नेम के नीचे एक एरो जैसा सिंबल्स है, जो कि इस टाइप से आप लोग डिजाइन वगैरह कर सकते हो एरो सिंबल्स लगा के। इस सिंबल की खास बात यह है कि इस सिंबल को आप लोग किसी भी नेम पे यूज कर सकते हो, चाहे वो आप लोगों का नेम स्टाइलिश में हो या नॉर्मल फोन स्टाइल्स के साथ, सभी नेम पे ये सूट करता है। तो आप लोगों को भी अगर ये वाला सिंबल्स को यूज करना है तो वीडियो को देखो एंड बाकी वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाना है एंड वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को एक पिन किया हुआ लिंक मिलेगा। उसी लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो पहले आप लोग वीडियो को देख लो एंड उसके बाद लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है कोने पे एंड फैंसी टेक्स्ट सिंबल्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का बटन दिख रहा है कोने पे, देख सकते हो ग्रीन कलर टाइप का। इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को इन टेक्स्ट सिंबल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोगों को एरो सिंबल्स मिल जाएगा, जैसे कि कोने पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इस सिंबल को आप लोग जब भी किसी नेम पे पेस्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं गेमर लिखूंगा, लिखे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जिस भी अल्फाबेट्स के नीचे आप लोग यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे मैं एम के नीचे यूज़ करना चाहूँगा। एम के राइट साइड के उधर मैं कर्सर को लेके जाऊँगा, जैसे कि देख सकते हो ये वाला जो कर्सर है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे एरो सिंबल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हो एम के नीचे एरो सिंबल्स आ चुका है। इस टाइप से आप लोग एरो सिंबल्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि किसी भी नेम के नीचे। एंड अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ए के नीचे मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ। कर्सर को लेके जाना है आप लोगों को राइट साइड पे एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद देख सकते हो यहाँ पे एरो सिंबल्स भी लग चुका है एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे सिंबल्स है। अगर आप लोग ऊपर में किसी सिंबल्स को यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो इस तरह से, देख सकते हो। एंड अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग यूज़ करो एंड बाकी कुछ इस टाइप से आप लोग एरो सिंबल्स को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास कोई भी अलग से स्टाइलिश नेम बना हुआ है एंड उसके नीचे आप लोग एरो सिंबल्स को यूज़ करना चाहते हो तो उस नेम को आप लोग यहाँ पे पेस्ट करके भी एरो सिंबल्स को यूज़ कर सकते हो। वरना आप लोग यहाँ से एक काम कर सकते हो, मतलब टैप करके यहाँ पर लिख लेना एंड लिखने के बाद कोने पर आप लोग टैप कर सकते हो, कॉपी का ऑप्शन है। इसके ऊपर टैप करो एंड ये कॉपी हो जाएगा एंड बाद में जाके गेम में आप लोग मतलब कर्सर को लेके राइट साइड के डोर अल्फाबेट्स के वहाँ पे आप लोग पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। बाकी आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा एंड एरो सिंबल्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा इन टेक्स्ट सिंबल्स के ऊपर एंड कुछ इस टाइप से आप लोग यूज़ कर सकते हो एरो सिंबल्स को एंड और भी बहुत सारे सिंबल्स है, देख सकते हो। एंड भाई लोग ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।